दोस्तों इस टाइम छोटी छोटी गलतियों के कारण बहुत से लोगों का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जा रहा है। अगर फ्रेंड्स आप पिन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो फ्रेंड्स उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखें। देखो फ्रेंड्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहला फ्रेंड्स होता है ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा वोटर आईडी और चौथा था पासपोर्ट। आपके पास चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, तो फ्रेंड्स आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखो बहुत से लोगों के पास ये चारों डॉक्यूमेंट रहता है लेकिन फिर भी वो छोटी सी गलती करते हैं जिसके कारण उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जा रहा है। देखो पहला गलती है कि देखिए वो लोग क्या करते हैं, गूगल से उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके वो आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय वहाँ पे अपलोड करते हैं, जिससे क्या होता है उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जा रहा है। देखो आपको ये गलती नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स आप जिस भी डॉक्यूमेंट को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते लगाते हैं फ्रेंड, देखिए उस डॉक्यूमेंट को पहले आप अपने फ़ोन में उसका फोटो खींच लीजिए। अगर फ्रेंड्स आप फोटो खींच के उससे लगाएंगे तो फ्रेंड आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कभी भी फेल नहीं होगा। फ्रेंड दूसरा गलती यहाँ पे बहुत से लोग की, देखिए डॉक्यूमेंट में एड्रेस दूसरा आता है और गूगल अर्थन में एड्रेस दूसरा आता है, जिसके कारण उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए आपको अप्लाई करने से पहले क्या करना होगा, आपको देखिए फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है आपको वही एड्रेस आपको अपने गूगल अर्थन अकाउंट में भी एडिट करना होगा। अब फ्रेंड्स आप गूगल अर्थन अकाउंट में एड्रेस एडिट कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हैं, आप फ्रेंड्स उस वीडियो को देखकर अपने अर्थन अकाउंट में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स तीसरा गलती यहाँ पे है कि बहुत से लोग अर्थन अकाउंट अपने नाम से बना लेते हैं और जो डॉक्यूमेंट लगाते हैं डॉक्यूमेंट उनके पास रहता नहीं है तो अपने घर के किसी मेंबर का वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जिससे क्या होता है उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। फ्रेंड देखिए आपको गलती नहीं करना, जिसके नाम से गूगल अर्थन अकाउंट बना है फ्रेंड्स आपको उन्हीं का डॉक्यूमेंट लगाना होगा। अगर फ्रेंड्स आप इन बातों को ध्यान में रखकर पिन के लिए अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको भी काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।